फद्दू सोच लिया, देश हमारा है, ये तहसील हमारी है, हमारी संपत्ति है। किसान मजदूर ने कि गाड़ी कमाई से इसको बनाया है, देश को बनाया है, ये कौन होते हैं? सरकार हमारे बलबूते पे चलती है। जो जींद का डीसी है, क्योंकि ये किसी भी पब्लिक की बात सुनना और के करे ज्ञापन लेना अपनी मतलब नाक का सवाल मानता, भाई मैं नहीं लेऊंगा अपना। लेकिन प्रशासन को फिर हम खुली चेतावनी देते हैं, ब्यों तो दे, गलती ना करे हमारे को हल्के में लेने की। इस प्रशासन की ईंट से भी ईंट बजाने का वादा हम रखते हैं। हमने देश के प्रधानमंत्री को झुकाया, इनका तो सौदा है कुछ नहीं भाई, सांसद और विधायक इस धरने को तोड़ने के प्रशासन के माध्यम से। लेकिन हम प्रशासन को कहना चाहते कि प्रशासन शासन की कठपुतली ना बने, वरना मुंह की खानी पड़ेगी। शिवकत मोर्चा और मजदूर SDM से मिलने गए थे और मजदूरों की मांग समस्या थी, 3-4 वर्षों से लटकी हुई है कि जो श्रम कल्याण के बोर्ड है, बोर्ड में मजदूरों का पंजीकरण है, उनका वो 90 दिन की वेरिफिकेशन का जो मामला अटका हुआ है, ना कोई सेक्रेटरी है, पटवारी है, जेई कोई भी इस काम को वेरिफिकेशन करने से मना कर रहा है, इसको नहीं करके राजी। और इस लिए जो ADC साहब ने लेटर निकाल रखा था और सरकार ने लेटर निकाल रखा था, वो लेटर DG साहब 15-20 दिन पहले प्रदर्शन किया था, SDM साहब ने बोला था कि भले लेटर मेरे पास लेके आओ तभी मैं कार्रवाई करूंगा। तो आज हम मजदूर नेता और संयुक्त किसान मोर्चा के लोग मिलने गए थे और उन्होंने मतलब कंडीशन रखी है कि पहले धरना उठाओ फिर देखेंगे, मतलब कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। और इस SDM ने ये पता नहीं है कि अगर समाधान कर दिया जाए तो मजदूरों का ठीक है, नहीं तो आने वाला समय मजदूरों का आंदोलन बना समय होगा। और SDM साहब को ये भी चेतावनी देते हैं, अगर इस समस्या समाधान नहीं किया, कहीं हजार हो गए जनसंख्या में, आपका दफ्तर का घेराव करने की योजना हम बनाएंगे। भाई 72 दिन हो गए धरने ने, हमारी मांगे है कि डेक्कल हेड से माइनर निकाल लिया जाए, जो नरवाना ब्रांच है, भाखड़ा ब्रांच, जिसमें बरसोड़ा माइनर में डाल के और सुदकण माइनर में उसको डाल लिया जाए। 28 गांव से को नहरी सिंचाई पानी मिलेगा, गुरकुल खेड़ा को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, एक उचियाणा के अंदर बड़ा उद्योग स्थापित किया जाए, यहाँ उचियाणा के अंदर खेल स्टेडियम बने राष्ट्रीय लेवल का, यहाँ सरकारी कॉलेज बने, बस स्टैंड को चालू करवाया जाए और हॉस्पिटलों में कुछ तो डॉक्टर लगा दिए सरकार ने धरने की बदौलत, लेकिन महिला डॉक्टर अब भी नहीं लगाई गई, महिला डॉक्टर उचियाणा हॉस्पिटल में लगाया जाए। तो कुछ हमारी जैसे साफ पानी मिले प्रत्येक गांव में, और कुछ छोटे कुछ गांवों की समस्या है कि जैसे छत्र है, कुछ राणा है, बारिश के टाइम में पानी जाता है, वहां पर ड्रेन का प्रबंध किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर ये धरना चल रहा है और जब लग हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती धरना इसी प्रकार से जारी रहेगा। और हम कल जो सरपंचों पर लाठी चार्ज की गई है और परसों कर्मचारियों पर नेते कर्मचारियों पर लाठी चार्ज किया गया, वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई, मिर्ची बम छोड़े गए, इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये सरकार की गुंडागर्दी है, सरकार तानाशाही पर उतर आई है। सरकार ने कर्मचारियों की भी बात सुननी चाहिए और सरपंचों की भी बात सुननी चाहिए, क्यों नहीं तो इलेक्शन क्यों कराए थे सरकार ने? भाई इलेक्शन कराया था जे जो राइट टू रिकॉल और जो ई टेंडरिंग का सरपंच विरोध करते हैं, हम किसान मजदूर उनका समर्थन करते हैं, इसलिए उसको वापस लेने का सरकार काम करे। और आज जैसे SDM का रवैया था वो अच्छा नहीं था, लेकिन हम SDM को और इस प्रशासन को सफल शब्दों में चेतावनी देना चाहते हैं, हमारे को कर्मचारी और सरपंच ना समझे। किसान मजदूर ईंट से ईंट बजाने की हिम्मत रखता है, जिस प्रकार हमने देश के प्रधानमंत्री को 13 महीने आंदोलन लड़के झुकाने का काम किया है, इनकी तो औकात के है भाई। और जे इनका गढ़ा भी हो तो जो हमने छेड़ के देख ले, यहीं पर धरना रहेगा तहसील परिसर में, किसी का ब्यों तो प्रशासन को खुली चेतावनी हमारे को उठा के देखे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे।
हम ना जेल में जाने से डरते ना मरने से डरते, जब लग हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हमारा धरना जारी रहेगा। ये सांसद विजेंद्र सिंह और यहाँ का जो डिप्टी सीएम है उसकी सैप है, धरने को तोड़ने की साजिश है, धरने को उठाने की साजिश है। किसी भी कीमत पर धरना नहीं उठेगा। एसडीएम को भी सबक चेतावनी और प्रशासन को भी चेतावनी, सांसद को भी और विधायक को भी। अब ब्यों तो जो हमने ठाके दिखा दिए भाई, एसडीएम का कहना था ये लापता के जो पोस्टर लगा रखे हैं ये नहीं लगा रहे। बिल्कुल लगेंगे। अगर ब्यों तो जो हमारे पोस्टर पाड़ के दिखा दो एसडीएम या प्रशासन पाड़ के दिखा दो भाई, या सांसद और विजेंद्र पाड़ के दिखा दो। खुली चेतावनी है प्रशासन को भी, सांसद और विधायक को भी। ये तो फद्दू सोच लिया, देश हमारा है, ये तहसील हमारी है, हमारी संपत्ति है। किसान मजदूर ने कि गाड़ी कमाई से इसको बनाया है, देश को बनाया है, ये कौन होते हैं? सरकार हमारे बलबूते पे चलती है। और अगले चुनाव में हम दिखा दे भाई अपना। लेकिन प्रशासन को फिर हम खुली चेतावनी देते हैं, ब्यों तो गलती ना करे हमारे को हल्के में लेने की। इस प्रशासन की ईंट से भी ईंट बजाने का वादा हम रखते हैं। हमने देश के प्रधानमंत्री को झुकाया, इनका तो सौदा है कुछ नहीं भाई। सांसद और विधायक इस धरने को तोड़ने के प्रशासन के माध्यम से, लेकिन हम प्रशासन को कहना चाहते कि प्रशासन शासन की कठपुतली ना बने, वरना मुंह की खानी पड़ेगी। और हमारा धरना जारी रहेगा जिस प्रकार से 72 दिन से चला गया। जब लग हमारी मांगे नहीं पूरी, जिस दिन हमने धरना लगाया था हमारी मांगों को लेकर हम बैठे हैं। हमारी मांगे अगर धरना उठाना, स्थगित कराना, हमारी सारी मांगों को पूरा करवाई सरकार, वरना हम लड़ेंगे और जीतेंगे और जीत के ही घर जाएंगे। कोई निष्कर्ष नहीं निकला जी, पहला भी हम कागज कई बार देख आए हैं भाई, हमारी ये मांगे हैं, आप इसकी पूरी करो। पर जो आज एसडीएम का रुख था वो बिल्कुल ही मतलब समझ से परे था। वैसे पहले बड़ा कोऑपरेट करा कर दे, पर आज पहली बार था जब कोऑपरेट नहीं करा। इन्होंने सीधे सीधा कहा कि आप हमसे क्या अपेक्षा रखते हो, क्योंकि मैंने आपसे ये बात कही थी कि आप धरना उठा दो, जो मांगे मेरे बस की थी मैंने वो पूरी कर दी। दो भी एक डॉक्टर बुलाना और एक तहसीलदार बुलाना है, आपकी दो मांगे पूरी होगी और अब आप घर की तरफ जाए। पर हमने ये बात कही भी हमारी जितनी भी मांगे हैं वो सारी मांगे अधूरी हैं, सिर्फ दो मांगों से काम नहीं चलेगा। तो एसडीएम ने बार बार एक ही बात की कि मजदूरों के जो वेरीफाई करने हैं कागज, उसको हम सेक्रेटरी को आदेश दे सकता था जो हमारा एसडीएम था, पर उन्होंने सेक्रेटरी को आदेश नहीं दिए और ये कहा कि ये मेरा कार्य क्षेत्र नहीं, जितना मैं काम कर सकता हूँ मैं उसी के अनुसार करूँगा, मैं आपका सहयोग नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग हमारा सहयोग नहीं कर रहे। तो हमने बाद में ये बात भी कही, आप सरकार के मतलब सरकार के नुमाइंदे हो और हम भी एक आम लोग हैं, आप हमारे बीच एक कड़ी का काम करते हो सरकार और आम पब्लिक के बीच में। आप सरकार को हमारी समस्याओं से अवगत कराइए और इस समस्या का समाधान करिए। पर उनका रुख बिल्कुल भी आज हमें जायज़ नहीं लगा और वो कोई बात करने के मूड में नहीं थे। उनका दिमाग एक ही था कि यहाँ से धरना उठा दिया जाए। हमने ये बात भी कही, चलो हम धरना लगता आपको ये ऊपर का प्रेशर था? जी हाँ, ऊपर का प्रेशर था, क्योंकि उन्होंने अपनी बातचीत में ये कहा कि आपने विजेंद्र सिंह और दुष्यंत सिंह के गायब का पोस्टर क्यों लगाया हुआ है और आप मेरी बाउंड्री के अंदर क्यों बैठे हो। यानी इस एसडीएम को ये नहीं पता कि बाउंड्री किसकी है। बाउंड्री किसानों की है, मजदूरों की है। जो हमारी तहसील होती है वो आम पब्लिक के लिए होती है, और जो इसको यानी एसडीएम या कोई भी कर्मचारी हमारे देश का, यदि कोई चलो ठीक है भाई इनकी अपनी मेहनत से नौकरी पाई है, पर यदि इनको जो तनख्वाह मिलती है वो आम पब्लिक के टैक्स से जाती है। शायद एसडीएम साहब ये चीज़ भूल चुके हैं। ये सरकार वो है जो बार बार एक एक बंदे को बार बार काट रही है। यानी आपने देखा होगा चंडीगढ़ में पिछले 3 दिन पहले जैसे उन्होंने लाठी चार्ज किया, लगभग 30-50 हज़ार आदमी कर्मचारी थे जो पुरानी पेंशन बहाली के लिए वहाँ लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले डाले। कल आपने देखा होगा सरपंचों के साथ बड़ा बर्बरता से लाठी चार्ज किया गया। यानी एक एक चीज़ को ये अलग अलग पीट रहे हैं, व्यापारी को, कर्मचारी को, किसान को, मजदूर को। अब वो मौका आ गया कि पूरा समाज को एकदम इकट्ठा होकर इस शासन और प्रशासन को उखाड़ फेंकना पड़ेगा, तभी हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। और रही बात ये एसडीएम की, एसडीएम और जो डीसी है बिल्कुल, एसडीएम पहले ठीक था पर आज नेगेटिव था, और जो हमारा डीसी है ये बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है। मतलब ये तो नेगेटिव ही इंसान है जो जींद का डीसी है, क्योंकि ये किसी भी पब्लिक की बात सुनना और कहकर ज्ञापन लेना अपनी मतलब नाक का सवाल मानता भाई मैं नहीं लेऊंगा। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सिक्किम।